बनाने वाले हैं साबूदाना का वड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं साबूदाना को पानी में 1 घंटे तक भिगो के रखिए तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर अब हम इसमें साबूदाना को डालेंगे, फिर कांदा डालेंगे, फिर मिर्ची डालेंगे, फिर धनिया पत्ता, फिर बॉयल आलू, चार चार बॉयल आलू। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, अभी हम डालेंगे 1/2 किलो तेल कढ़ाई में। देख सकते हैं हमने डाल दिया है 1/2 किलो तेल कढ़ाई में। अभी इसे थोड़ा गर्म होने दीजिए। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, देख सकते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, देखिए, फिर ना स्वाद अनुसार नमक, उसे सब एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब देख सकते हैं ऐसे मिक्स कर लेना है हमें। देख सकते हैं ऐसे मिक्स कर लेना है हमें कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं हमारा हल्का हल्का तेल गर्म हो चुका है, उसे और थोड़ा करना है। देख सकते हैं अब ऐसा मिक्स कर लेना है वापस से अच्छे से। देख देखिए अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे तेल में। देख सकते हैं देख सकते हैं, अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे। देखिए ये देख सकते हैं कुछ ऐसी तरह के सब होना चाहिए।
अभी इसे आप लोग लाल होने तक पकाइए। देख सकते हैं हमारा कुछ कुछ डिश कुछ कुछ रेड हो चुका है, उसे हमें रेड करने का है। और इसमें अभी ज्यादा जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये वड़ा पकने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कढ़ाई में डाल रहे हैं, वापस से इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इसे रेड होने तक डीप फ्राई कीजिए। देख सकते हैं हमारा हल्का हल्का रेड हो चुका है, इसे पूरा रेड होने देना है। देख सकते हैं आप रेड हो चुका है हमारा, कुछ कुछ बाकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा डिश बन के रेडी है। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।